बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उनसे इडली अच्छे से नहीं बन पाती और सांभर में भी बाजार जैसा टेस्ट नहीं आ पाता। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी यानी इडली सांभर, जो स्वाद में एकदम रेस्टोरेंट को टक्कर देगी। शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल इडली सांभर बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 कप अरहर की दाल को आधा घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें कद्दू, लौकी, गाजर, कच्चा केला, बैंगन और ड्रमस्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सब्जियों में से मैंने ड्रमस्टिक को अलग कर लिया है। अभी बर्तन में भीगी हुई दाल को लेंगे और इसमें सभी सब्जियों को डाल देंगे। और अब इन सभी को प्रेशर कुकर में 7 से 8 कप पानी, स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी के साथ 3 सीटी आने तक पकाएंगे। अब इडली का बैटर बनाने के लिए मैं सूजी को फिटे हुए दही के साथ अच्छे से मिला लूंगा और इसका एक थिक बैटर बना लूंगा। अब इस बैटर में 1 पाउच इनो डालेंगे और इसे बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह हो जाएगी, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब इडली के सांचों में ऑयल लगा लेता हूं। और अब हमको इसमें बैटर को डाल देना है। सभी सांचों को स्टीमर में सेट कर देंगे और अगले 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। इधर हमारे प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ गई हैं। अब मैं इसमें ड्रमस्टिक को डाल देता हूं और फिर से 1 सीटी आने तक और पकाएंगे। ऐसा करने से ड्रमस्टिक ओवरकुक नहीं होगी। इडली के साथ की चटनी बनाने के लिए मैं लगभग 1.5 कप पीनट्स को धीमी आग पर अगले 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगा। पीनट्स रोस्ट हो गए हैं और अब इसे अलग कर ठंडा कर लेना है। इधर इडली को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और यह पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब सांभर को फ्राई करने के लिए 1/2 कप गरम कुकिंग ऑयल में 1 चम्मच राई को डालेंगे, 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे और 3 से 4 लाल मिर्च डालकर इसे फ्राई करेंगे। अब मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देता हूं और अब 3 मीडियम साइज के प्याज को काटकर इसमें डालेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने तक हमको इसे फ्राई करना है। कुछ करी पत्ते काटकर डाल देने हैं। और इस समय मैं 1/2 चम्मच नमक डाल देता हूं, इससे प्याज के सॉफ्ट होने में आसानी होगी। प्याज सॉफ्ट हो गया है और अब हमको इसमें 1/4 कप इमली का पानी डाल देना है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च डालेंगे, लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा धनिया पाउडर डालेंगे।
और अब मैं 4 चम्मच सांबर मसाला डाल देता हूँ। और अब मैं इन मसालों को अगले कुछ सेकंड तक हल्का सा फ्राई करूंगा। मसाले के फ्राई होते ही हमको इसमें 4 से 5 कप पानी डालना है और मसाले को एक उबाल आने तक पकाना है। मसाले में उबाल आ गया है और अब मैं इसमें सांबर को डाल देता हूं। आप देख सकते हैं ड्रमस्टिक बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई है। सांबर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। स्टोव को बंद कर देते हैं और यह खाने के लिए तैयार है। अब चटनी बनाने के लिए भुने हुए पीनट्स ठंडे हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे, 4 से 5 हरी मिर्च मिलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर ग्राइंडर में इसकी चटनी बना लेंगे। यह देखिए है ना कितनी शानदार इडली। इसका टेक्सचर एकदम रेस्टोरेंट की तरह है। आशा करता हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।